दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? और आज है मेरा बर्थडे और बहुत ही स्पेशल ब्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और बर्थडे के दिन मैं जा रही हूँ विंध्याचल माता रानी के दर्शन करने के लिए, और आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए विंध्याचल जो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और बहुत ही अच्छा दर्शन मिला हम लोगों को, नवरात्रे के दिन थे और मेरा बर्थडे था, तो बहुत ही स्पेशल बर्थडे हो गया। तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये वीडियो, और मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा म्यूट पे नहीं रखूँगी। आवाज़ जो आ रही है साइड से, आवाज़ मंदिरों की घंटियाँ बज रही हैं, सब कुछ बहुत ही नेचुरल रख रही हूँ क्योंकि आप लोग भी वो फील कर सको। और बहुत ही पवित्र धाम है जो यहाँ की मतलब नहीं जा पा रहे हैं, बहुत दूर हैं, विदेश में बैठे हैं, दूसरी कंट्री में हैं, दूसरी जगह पे हैं, तो वो फील कर सकें इसलिए। तो आप लोग इन्जॉय करिए वीडियो को। और काहे लकर और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोगों ने चेन निकाल दी है, मतलब गले में कुछ भी नहीं पहना है। तो ज्वेलरी जो आपको ऐसे गोल्ड की है तो वो ना पहन के जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जो आप चोरी हो सकता है डेफिनेटली, और बाद में आप किसको ब्लेम लगा सकते हैं। तो मंदिरों में ज्वेलरी पहन के ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पत्ती है किसी चीज़, ये दूसरा रास्ता, वो ही ये दूसरा रास्ता है। और बस हम लोग धाम में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोग बस जूते उतारेंगे। और जूते उतारने का ये हर यहाँ पे दुकान बनी होती है, और वहीं से प्रसाद लीजिए और वहीं पे जूते उतारिए, और सारा सामान नारियल चुंदरी सब कुछ मिलता है। तो ये देखिए बस वही प्रसाद हम लोग ले रहे हैं, और उसके बाद हम लोग चलेंगे धाम में। बहुत ही खास मंदिर है, बहुत ही बड़ा नाम है, जैसे जो विंध्याचल देवी को जानते हैं वो तो है ही हैं, और बाकी जो नहीं जानते हैं उनके लिए कि बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, माता रानी का मंदिर है। जैसे वैष्णो देवी है और सिमिलर उसी तरह से महिमा है इनकी भी। और विंध्याचल लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, और हम लोगों के नज़दीक में है तो हम लोगों को की कुल देवी हैं, हमेशा ही लोग जाते हैं। और बस यही है, और हम लोग प्रसाद ले लिए हैं ये देखिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, लास्ट में नवरात्रि में हम लोगों को दर्शन हुए विंध्याचल रानी के। और इस दिन मेरा बर्थडे था, तो ये मेरा बर्थडे के दिन का ब्लॉग है। तो बर्थडे इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उस दिन आप विंध्याचल माँ धाम में चले जाओ और माता रानी के दर्शन कर लो, और बहुत अच्छा दर्शन भी हुआ। और यही था कि हम लोग शाम को गए थे, मॉर्निंग में नहीं गए थे क्योंकि मॉर्निंग में पॉसिबल ही नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा भीड़ होती।
मेरे जो बड़े भैया हैं वो पूरे टाइम आद्यंत को गोद में लिए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो माता रानी के दर्शन जब भी आप करने जाइए भीड़ होती ही है, तो ऐसा था मतलब आधे घंटे पौने घंटे लग गए थे, तो इतना तो हमेशा ही होता है। लेकिन भाई भाभी की वजह से हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन मिल गया। ये देखिए मेन मंदिर का गेट है और इसके बाद कैमरे भी बंद करवा देते हैं, लेकिन जितना हो पाया है ये देखिए मेन मंदिर है, यहीं पे माता रानी का स्थान है। बस इतना ही वीडियो मैं ले पाई और आपको ये विंध्याचल मंदिर का पूरा टूर समझ लीजिए आपको मिल चुका है। और आपको कैसा लगा बताइएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक तो नवरात्रे थे और उसी दिन मेरा बर्थडे था 9th of October, तो मैंने विंध्याचल धाम में दर्शन कर लिए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छा गया इस बार वाला समझ लीजिए। और इसके बाद हमारी बुआ का घर पास में ही है, तो हम लोगों का प्लान था कि दर्शन करने के बाद हम लोग बुआ के यहाँ भी जाएंगे। तो बस निकल पड़े हम लोग, थोड़ा जो शॉपिंग करना होता है, इतनी सारी चूड़ियाँ बिंदी प्रसाद इतने सारे जो मिल रहे थे तो वो सब भी हम लोगों को लेना था। और यहाँ पे देखिए कैसा लगा दर्शन करके। बहुत अच्छा जय माता दी। दर्शन जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ, बहुत मजा आया। वो भी नवरात्रि में माता रानी, मजा आ गया। माता रानी मोबाइल हम लोग नहीं अलाउ नहीं था अंदर नहीं लेके जा सकते। गुनु जय माता दी, जय माता दी। अभिनंदन करती है मेला में आए हुए सभी श्रद्धालु। नंबर 54 40 लड़ाई हो जाएगी। चलो अब तेज आवाज में बोला जा, तार से तो वीडियो होता, तेज आवाज में बोलो। देखो भाई भीख मांगने के लिए सब लोग पीछे पड़ चुके हैं। वायरल हो जाबू दूसरे वीडियो में आवत हो। से कि अब तो लगा था कि मिलेगा। तो यहाँ पे इसके पहले जो मैंने दिखाया भीख मांगने वाली जो लेडीज थी वो इतना पीछे पड़ गई थी कि 10 मिनट का जो रास्ता था, हम लोगों की गाड़ी की पार्किंग काफ़ी दूर लगी थी तो वो पूरे टाइम ही पीछे आ रही थी। तो मैंने उनको मतलब कि हटाने के लिए एक तरह से मैंने वीडियो ऑन कर दी तो भी नहीं हट रही थी। तो ये भी होता है विंध्याचल में, काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है ये सब भीख मांगने वालों का। ये जो किसी भी धाम में इंडिया में सारे जगह पे ये जो भीख मांगने वाले होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो एनीवे चलते हम लोग आगे, मूड ठीक करते हैं अपना। मूड भी काफ़ी ख़राब हो जाता है ऐसी चीज़ें देख के कि आप दो ना दो पीछे ही पड़ जाती हैं। ये देखिए फिर गंगा नदी का दर्शन कर लीजिए वापस आते समय भी। और ये नदी पूरी एकदम बढ़ी हुई थी बारिश के बाद, पूरा भर गया था। तो ये देखिए सबसे मेन वाला पुल है भदोही टू मिर्ज़ापुर जो रास्ता जाता है उसमें का। और बस चलते हैं हम लोग बुआ के घर। और ये देखिए कितना अच्छा गंगा नदी के ऊपर का सनसेट मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए हमारी पवित्र गंगा जी। और बहुत ही अच्छा लगा इस दिन दर्शन करके। तो बस शाम को मतलब शाम ही हो चली थी और हम लोग पहुँच गए हैं बुआ के घर पे। ये देखिए उनकी हवेली कितनी अच्छी लग रही है। तो इनका घर इतना अच्छा है और ये मेन घर है, बाकी इतने सारे घर, बहुत बड़ा सा परिवार है इनका, पूरा ख़ानदान बहुत बड़ा है। तो सब लोगों ने ऐसे ऐसे और सारे घर भी बनवा लिए हैं तो इतना बड़ा घर हो गया, पूरा गांव जैसा इनका पूरा एक घर ही है।
तो उसका टूर भी बनता है, जो जाते हैं तो बुआ पूरा टूर भी देती हैं घर का। तो बस ये देखिए हमारी बुआ जी हैं, कितना खुश हो गई हैं, और हमें भी बहुत सालों बाद गई बुआ के पास, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो एंजॉय करिए आप वीडियो। अदू चाय बहुत गर्म है, हाँ चूना नहीं। ये देखिए भाभी जी की पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी 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 हो रही है, पार्टी हो रही है, तो पार्टी हो रही है। ले के पूरा देखा ही है, पूरा आज बीच में मत आओ, दिखाए थे उन्हें। देखिए एक बचा हुआ है और कोई खा खाने वाला कोई नहीं, और बस सब लोग सोच रहे हैं आप खा लीजिए, आप खा लीजिए, पहले आप, पहले आप, पहले आप कौन उठाने वाला है। और ये देखिए आप बहुत बड़े सेफ से मिल रहे हैं, आज ही मिलवा दे रही हूँ आपसे, बहुत बड़े सेफ है। अभी ये किरण बुआ खा रही है, देखो और यहाँ पर देखिए रात हो गई थी, लेकिन बुआ ने कहा कि जो भी आसपास में जितने सारे घर हैं, और ये विश्वास करिए सारा इन्हीं के घर का ही, मतलब इन्हीं की फैमिली का घर है, तो बहुत दूर में बसा हुआ है, और ये पूरा गांव जैसा लगता है, मतलब ये गांव समझ लीजिए इनका पूरा घर ही है। तो सबका टूर दे रही थी और हम लोग देख रहे थे, और सब लोग का अपना अपना घर अलग से सेपरेट, एक एक मकान बना हुआ है एक एक फैमिली का, बहुत ही अच्छा है गांव में। अगर मैं बार बार कहती हूँ, अगर फर्स्ट क्लास आपका कंफर्टेबल सा घर हो तो उससे अच्छा लाइफ कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि बाहर के देशों में भी जो लोग रहते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्री है, यूएस है, कनाडा है, जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ पे आउटर में ही जाके जब घर अच्छा सा कम्फर्टेबल घर रहता है तो ही अच्छा लगता है। डाउन टाउन में बस आप जॉब कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो, रहने के लिए तो गांव ही अच्छा है। तो वो चीज़ अभी लोगों को समझ में आ रही है, एक्चुअली कोविड के बाद से ज़्यादा ही समझ में आ रही है। तो बस अपना घर गांव में कितना अच्छा हो सकता है, किरण बुआ के घर जाने के बाद पता चलता है। और बस हम लोग वापस आ रहे हैं घर की तरफ, और आज मेरा बर्थडे था तो स्पेशल है। तो बस जीटी रोड है ये, बहुत बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा रोड है, शेरशाह सूरी रोड, और उस पर बहुत सारे ढाबे हैं, हमारे घर जाते समय भी पड़ते हैं। तो बस एक बढ़िया से ढाबे में हम लोग आएंगे और अभी खाना खाएंगे, उसके बाद देखिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बहुत ही अच्छे ढाबे पे पहुँच चुके हैं, और ये रात हो गई तो देखने में जैसे भूतिया लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और बारिश में बहुत ज़्यादा कीड़े रहते हैं, तो हम लोग अंदर की तरफ बैठे हैं, और यहाँ पे देखिए बस मेनू डिसाइड हो रहा है। और मैं बता दूँ इतना अच्छा खाना था ना, कि मैं दुबई में तो नहीं मिल सकता, वो स्वाद ही नहीं आ सकता। कितनी भी अच्छी जगह आप चले जाइए, जो इंडिया में ऐसे ढाबे में रैंडमली आपको खाना मिल जाता है ना, तो बस बच्चों को भी भूख काफ़ी लगी थी, और बस थोड़ा थोड़ा ही कुछ कुछ हम लोग खाए थे, ज़्यादा कुछ खाए नहीं थे, बहुत देर से मतलब लंच करके ही निकले थे, मतलब 2 बजे निकल गए थे हम लोग। और ये देखिए कितना यम्मी सा खाना आ चुका है, और ये टेस्ट अभी भी मेरे मुंह में आ रहा है, बहुत ही अच्छा था। आद्यांत को और अंश को भी खाना पसंद आया था। और ये देखिए बस मतलब पूरा बर्थडे मेरा इस बार एकदम धमाकेदार हो गया था, बहुत ही मज़ा आया था। और भूख लगने के बाद जो खाना स्वाद आता है ना, वो लाजवाब होता है। तो आपको मेरी ये वीडियो, स्पेशल वाली वीडियो विंध्याचल के दर्शन की, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सेफ रहिए, बाय बाय।